शराब, लाउड म्यूजिक और भगवान शिव। गोवा के सनबर्न फेस्टिवल पर बवाल मच गया है। देखिए, गोवा की राजधानी पणजी में सनबर्न EDM फेस्टिवल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के आयोजकों पर भगवान शिव का अपमान करने का आरोप लगा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गोवा यूनिट ने इसे लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता ने सनबर्न के आयोजकों के खिलाफ मापुसा में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। और वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर ने कहा कि राज्य सरकार को सनातन धर्म को चोट पहुंचाने के लिए आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लोकप्रिय नृत्य संगीत महोत्सव सनबर्न EDM 28 दिसंबर को उत्तरी गोवा में वागाटोर में शुरू हुआ था और यह शनिवार 30 दिसंबर को समाप्त हुआ। वहीं पालेकर ने कहा कि हमने देखा है कि उत्सव के दौरान भगवान शंकर की छवि का इस्तेमाल किया। जब लोग नशे में थे, नाच गा रहे थे, तब LED स्क्रीन पर यह पिक्चर दिखाई गई। और आप नेता ने कहा कि उन्होंने सरकार से मांग की है कि आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की पवित्रता का अपमान किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कई लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। यूसलेस का कहना है कि शराब म्यूजिक के साथ भगवान को दिखाना गलत है और इसे लेकर पुलिस प्रशासन को आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए।